कर दिया गया है। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर का कहना था कि जरासीम कुछ अद्वियात के स्प्रे का मकसद शहरों को हिफाजत सेहत के असूलों के मुताबिक बेहतर माहौल फराहम करना है। शहर में नाजमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर नाजमाबाद टाउन में जरासीम कुछ अद्वियात के स्प्रे का आगाज कर दिया गया है। मक्खियों, मच्छरों और दीगर जरासीम के खात्मे के हवाले से जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज बरोस पीर यूनियन कमेटी नंबर 1 पापोश से किया गया। इस मुहिम के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने नाजमाबाद टाउन को स्प्रे की गाड़ियां फराहम की, जिसके जरिए नाजमाबाद टाउन की तमाम यूनियन कमेटीज में मरहलावार जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन नाजमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे का मकसद शहरों को हिफाजत सेहत के असूलों के मुताबिक बेहतर माहौल फराहम करना है, क्योंकि मुतदल मौसम में मक्खियों, मच्छरों और बैक्टीरिया समेत दीगर जरासीम की अफजाइश तेज़ी से होती है और जरासीम फैलाने वाले हशरातुल अर्ज की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी मौलिक बीमारियों के फैलने का खदशा मौजूद रहता है। चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करने वाले अमले को हिदायत की कि नाजमाबाद टाउन की हर यूनियन कमेटी में जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे को मुमकिन बनाए, ख़ासतौर पर नदी नालों के करीब और नशीबे इलाकों में स्प्रे गाड़ियों और दस्ती मशीनों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे किया जाए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर इक्तदार अली जाफरी ने कहा कि शहरियों को सेहतमंद माहौल की फराहमी मलदियाती इदारों की अव्वलिन जिम्मेदारी है। तमाम शहरियों को भी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घरों का कचरा नालों और सड़कों पर ना फेंका जाए।